गप्पा, हम लोग मीठा सलोनी समझ रहे थे, और जो है उसको गुड़ गप्पा बोलते हैं। गुड़ गप्पा। बाजार एक ऐसी जगह होता है जहां पर हम सप्ताह में एक बार जरूर पहुंचते हैं। रोजमर्रा के जीवन में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदारी के लिए यहां जाना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में भी कुछ हटके सामान वस्तु देखने को मिलता है, जिसकी पहचान के लिए हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा में बैगा जनजाति समुदाय के बीच। ये लोग को गोदना गोदाते हैं पैरों में और यहाँ तक पहनते हैं ताकि गोदना आसानी से नज़र आए और बैगन जाति की पहचान है ये गोदना। 50-50 में बेचे हैं धीरे 40 देंगे भाई। इसको बाल में लगाते हैं ना भैया? हाँ बाल में लगाते हैं। ये जो है बाल में लगाते हैं, दीदी खरीदारी कर रही है। कितना का है भैया? 40 रुपये का। हाँ 40 में दे रहा हूँ। गौरी क्या? नमस्कार। कहाँ लिए है? कौन दुकान? यहाँ तो नहीं मिला था इस, देखिए। और यहाँ पर क्या है, आसपास से गांव के लोग आते हैं तो आपस में चर्चा का भी जगह बन जाता है, जो भी मेल मिलाप, क्योंकि यहाँ नेटवर्क होता नहीं है जंगलों में, तो अपने रिश्तेदार मेहमानों से हम बाजार में मुलाकात कर हाल चाल जान सकते हैं। तो यहाँ पर बैगा जनजाति समुदाय के लोग खड़े हुए हैं, खरीदारी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर है बर्तन दुकान और अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के जंगल क्षेत्र में लगने वाले बाजार। तो यहाँ पर अधिकतर जो खरीदारी करने आते हैं वो बैगा जनजाति समुदाय के होते हैं। तो बारिश का समय है तो छाता लेकर भी साथ में आए हैं और देख रहे हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है। तो ऐसे बैगा जो अपने गोदना से पहचाने जाते हैं वह आपको इस बाजार में देखने को मिलेगा। आसपास के जंगलों में जिन निवास करते हैं बैगा जनजाति, वहाँ लोग विशेष कर खरीदारी के लिए यहाँ आते हैं, इसे हम बैगा बाजार बोल सकते हैं। अच्छा कितना रुपये का दाइए? एक ठो और काफ़ी सस्ता है, 5 रुपये का एक जलेबी। लगता है पंडरी पानी बाजार। अच्छा तो कौन आता है खरीदारी के लिए ज़्यादातर? ये सर छत्तीसगढ़ के भी आते हैं, एमपी के भी आते हैं। दोनों के आते हैं? दोनों आते हैं। कैसा रहता है बाजार? बाजार अच्छा रहता है। क्या क्या मिलता है? साबुन तेल। हाँ और सोना चांदी। हाँ सब मिल रहा है। अच्छा तो ये बैगा लोग ज़्यादा आते हैं? हाँ बैगा लोग ज़्यादा आते हैं। आसपास गांव के क्या क्या गांव हैं आसपास? आसपास लदरा, लदरा पंडरी पानी, दुई मोहानी केंद्रा, कांदा टोला, ठाड़ पथरा। इतने गाँव के लोग आते हैं? सब आते हैं। और झूमर, झूमर के एक संडे बस को सर रविवार को लगता है? रविवार को लगता है। हर रविवार को? हर रविवार। अच्छा तरह खैर गजब। छत्तीसगढ़ में कहाँ से यार? कोई कुक दूर। अच्छा तो बाजार लगाने के लिए आते हो? किस में आए हो? बाइक में। बाइक में लेके आते हो पूरा अठेला? यहीं रहते हैं? यहीं रहते किराए में। यहाँ पर जो गाय बल पालतू पशु होते हैं उनके गले में इसको बांधा जाता है ताकि आवाज़ से वो पता चल सके कहाँ है। तो ऐसा ही आवाज़ करता है, लकड़ी भी लगा है, ये लकड़ी वाला ज़्यादा आवाज़ करता है, इससे पता चल जाता है कि जो पालतू पशु जंगल में है कहाँ पर है, इसलिए इसे गाय या पालतू पशु के गले में बांधा जाता है। और आज मैं हूँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा रेखा में बैगा जनजाति समुदाय के बाजार में। ये जो बाजार है काफ़ी यूनिक है क्योंकि यहाँ बाजार में सिर्फ और सिर्फ आपको बैगा जनजाति समुदाय के लोग खरीदारी करने को देखने को मिलेंगे। आसपास के जंगलों में यहाँ पर बैगा जनजाति निवास करते हैं और काफ़ी सस्ता बाजार है ये। आपको जो सामान चाहिए वो शहर के मुताबिक आपको यह गाँव में काफ़ी सस्ता मिलेगा। और बैगा जनजाति जो पहचाने जाते हैं अपने वेशभूषा रहन सहन से, काफ़ी ज़्यादा श्रृंगार के साथ यहाँ पर आते हैं क्योंकि जनजाति जो है श्रृंगार के भारी शौकीन होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत कुछ आपको आज दिखने वाले हैं। तो चलिए हम पहुँच गए हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा में पंडरी पानी गाँव में।
जहाँ पर आज हम आपको बाज़ार घुमाने वाले हैं और बाज़ार में क्या क्या बिकने के लिए आया है उसे दिखाने वाले हैं और कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर विशेषकर बैगा जनजाति समुदाय के, उनसे आपको मुलाकात कराएंगे। तो बने रही वीडियो में, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजाति बैगा समुदाय के बीच इनका जीवन शैली, रहन सहन, खान पान और इनका एक्टिविटी, मार्केट, ट्राइबल क्षेत्र का वीडियोग्राफी करें। आप कल मत देते हैं मुला चिल्ला नहीं है गौरी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इतना सुंदर शांत वातावरण जंगल में, ऐसा बाजार लगता है। तो बाजार के बारे में कुछ बताइए, आप कब से आ रहे हैं, कहाँ के हैं? नहीं हुई है। अच्छा, तो कब से लग रहे भैया बाजार यहाँ? 1960 से लग रहे बाजार। तो जानवर वगैरह यहाँ कभी आते हैं? जानवर पहले रहा यहाँ। पहले क्या क्या रहा? बाघ रहा, भालू रहा। अच्छा, चीता रहा, सामर रहा, घटरी रहा। हाँ, मंजूर अधिक रहा। एक तक यहाँ आपको चरते भी मिल जाते। अच्छा, लेकिन हाँ, ये जब से राष्ट्रीयकरण हो गया, जब से जंगल कटाई हो गया, हाँ, तब से सब खत्म हो गया, सब भाग गए। अच्छा, 30 रुपये का। किस में पहनेंगे उसको? कान गला में पहनेंगे। तो उसको बनाना पड़ेगा कि बना बुनाया है दीदी? बनाना पड़ेगा, ये पहले। अच्छा, बनाना पड़ेगा 30 रुपये में। 30 रुपया में कहाँ, बड़े महंगे। 20 रुपये बहुत अकल लेल पड़ती। 60 रुपये बोला थे। अच्छा, 2 ठन के 60 रुपया। लोग खरीदारी करके जा रहे हैं गला के लिए। श्रृंगार के काफी शौकीन होते हैं, इसे गला में पहना जाता है हर रविवार। कौन कौन गाँव जाता जंगल के बाजार लगा? अब मैं तो वही बाजार एम पी पड़ा था, छत्तीसगढ़ के घर। यही बाजार फंसा था? हाँ, नीचे घर बाकी करता हूँ काम। ठीक हो रहे छत्तीसगढ़ ये है? छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से माला है, गला में पहनते हैं इसको। और काफ़ी ये यूनिक है क्योंकि बैगा जनजाति समुदाय के लोग इसको खरीदारी करते हैं, गला में पहनने को देखने को मिलेंगे। आज हम छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति के बीच आए थे। मेरे साथ है दीपक जो कि राजस्थान से आए हैं और इनको छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल और ट्राइबल का विशेष कर देखना बहुत पसंद है, इसलिए ट्राइबल एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है रूरल बंजारा के नाम से, जिसमें आप विजिट करके छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से देख सकते हैं। और अभी हम बैगा जनजाति का बाजार आए थे, तो कैसा लगा आपको बैगा जनजाति का बाजार? मेरी शुरू से इच्छा थी, जब से मैंने इनके वीडियो देखे तो मेरी इच्छा थी कि मैं बैगा ट्राइबल एरिया के बारे में जानूं। अच्छा, और आज मेरे को ये लेके आए हैं बैगा ट्राइबल घुमाने के लिए, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, और आज मेरे चारों ओर बैगा है तो मैं बहुत ही खुश हो गया देख के, और मैं भी इनके साथ देख के कुछ सीख रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर बनाने के लिए। मेरा चैनल है रूरल बंजारा, अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को भी ज़रूर देखें, राजस्थान के वीडियो, हमारे राजस्थान के कल्चर के बारे में देखें कि राजस्थान का कल्चर किस प्रकार से है। मैं छत्तीसगढ़ का कल्चर देखने आया हूँ, आप राजस्थान का देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको राजस्थान घूमना है तो भाई के चैनल पर विजिट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और संपर्क करके राजस्थान एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी फिर हम छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे बस्तर। लगातार आपको बस्तर की वीडियो फिर मिलने वाला है। और ये आदिवासी बैगा जनजाति बाजार है जिसमें से महिला वर्ग कैमरा में आने से बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, इसलिए और लोग देखने का विषय बन जाता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज वीडियो आपको पसंद आया होगा। बैगा जनजाति का ये बाज़ार अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।